thanks. Today topic is metabolism. What is metabolism? That is the set of or the series of process that is more commonly present inside the living organism. That is more commonly cell. Okay. So cell ke andar jo bhi process hoti hai, series or sequence hoti hai, that is called the metabolism. Jisme do process hoti hai, either the breakdown, that is called the catabolism, or the adding. जैसे कि आप दिन की जो भी एनर्जी या फिर जो भी कैलोरीज लेते हो, बॉडी में इनटेक करते हो, लेकिन आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते हो, तो वो सारी चीजें ऐड होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. लेकिन अगर आपने कैलोरी इनटेक नहीं किया है और आपकी बॉडी क्या करेगी, बेसिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तो करेगी, दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जिसके लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एनर्जी आपने यूज की, लेकिन आपने बॉडी में फूड का इनटेक नहीं किया, आपने एनर्जी नहीं ली, तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन. अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ एनाबॉलिज्म से, तो इट लीन एंड थीन बॉडी हो जाएगी, एंड अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा हुआ कैटाबॉलिज्म से, तो पर्सन फैटी हो जाएगा. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर होता है. थैंक यू.